टारपोलिन टैंक और सीमेंट टैंक और पॉन्ड, तीनों में क्या अंतर है? किसी को लोन चाहिए तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहेगा, GST OBC वगैरह वगैरह करके। जो जनरल को है 50%, SC ST OBC है उनको 75%, 8,50,000 रुपये होल उन्होंने रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि टारपोलिन टैंक और सीमेंट टैंक और पॉन्ड, तीनों में क्या अंतर है? देखिए तारपोलिन टैंक क्या है ना कि लाया, इंस्टॉल किया, वर्क स्टार्ट, ठीक है। आप 38 से 40 हज़ार रुपये में आप टैंक स्टार्ट कर सकते हैं। सीमेंट में क्या है कि आपको 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 50,000 वाटर कैपेसिटी का टैंक बना रहे हैं तो आपको 1,25,000 रुपये के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद एयरेटर वगैरह सब कुछ, क्योंकि अभी ब्रिक्स का रेट भी महंगा है, सीमेंट गिट्टी बालू सब आपका महंगा है। तो कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि तारपोलिन से करें, उसके बाद सीमेंट में जाए। और बेनिफिट है तारपोलिन में जितना बेनिफिट है उतना सीमेंट में। तारपोलिन में है कि 10,000 लीटर वाटर कैपेसिटी है, 15,000 है, 25,000 है, 35,000 है। सीमेंटेड में हमने 50,000 बना लिया, हम लाए जितना हाइट चाहे उतना हाइट कर सकते हैं। लेकिन अब हाइट करने का मतलब ऐसा नहीं कि 7 फीट हाइट कर ली, उसका भी एक सर्टेन लिमिट है, उतना हाइट करना है आपको। और पॉन्ड की बात करें तो तालाब की पॉन्ड में बात। देखिए इसमें बेनिफिट यही है बायोफ्लॉग में कि हमारा FCR कम होता है, हमारा 0.3 के आसपास FCR गया था, पॉन्ड में 2.0 के आसपास, 2.0 के आसपास FCR है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो पॉन्ड में 1 KG मछली को करने के लिए हमको 2 KG खाना खिलाना पड़ता है, और बायोफ्लॉक में 1 KG मछली को करने के लिए 300 ग्राम खाना खिलाना पड़ता है। तो ये होता है मार्जिन बायोफ्लॉक और पॉन्ड पॉन्ड के में। इसमें। बायोफ्लॉक में यहीं पे 70% आपका सेविंग हो गया। तो बायोफ्लॉक सेविंग वाला काम है, लेकिन कोई जानकारी लेकर के सब कुछ करे तो। अच्छा, कहीं ना कहीं जो स्टार्ट करना है बायोफ्लॉक, तो टारपोलिन टैंक से स्टार्ट किया जाए, जो नए लोग हैं उनके लिए बेहतर होगा ये। हाँ मैं तो मानता हूँ कि आप तारकोलिन टैंक से स्टार्ट करो भी 10,000 लीटर से, 16,000 लीटर से, या आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो 25,000 लीटर से, इससे ज़्यादा से नहीं आप स्टार्ट करें। उसके बाद जब आप सस्टेन कर जाएं, आपको लगे आपके अंदर गट्स हो नहीं मैं अब कर सकता हूँ, तो आप सीमेंटेड टैंक की ओर जाइए और अपना सेटअप को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर, अगर बायोफ्लॉक्स फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहें तो आपके यहाँ ट्रेनिंग की क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, और उसके लिए क्या सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए अभी तो हम लोग ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ठीक है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो हम लोगों को शेयर करते हैं। जिला प्रशासन के तरफ से हम लोग को प्रेशर भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट और ख़ास करके DM साहब के तरफ से कि आप लोगों को जानकारी दो इसके लिए और प्रेरित करो। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक NGO है ये DSCRD, DSCRD से हमारी टाई अप चल रही है, हो सके कि आने वाले टाइम में ये जो हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे ये नाबार्ड बैंक में, फिशरी डिपार्टमेंट में, सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है, इससे हम लोग ये भी टाई अप कर रहे हैं कि अगर किसी को लोन चाहिए एज ए नाबार्ड के तहत, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहेगा, आप ये जो ट्रेनिंग लेंगे ये नाबार्ड में रिकॉर्ड रहेगा। अगर किसी को लोन चाहिए बैंक के लिए आपका पूरा पेपर फुलफिल हो रहा है बैंक के अकॉर्डिंग, तो नाबार्ड बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करेगी। और ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अभी आदेश आ गया है अभी, लेकिन अमल नहीं हुआ है, फाइनल आदेश आना बाकी है। तो ये जो सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस पे इसकी मान्यता जो है वो फिशरी डिपार्टमेंट भी है और गवर्नमेंट लोन वगैरह के लिए भी है। मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते कर हैं, सकते कर हैं। सकते हैं। तो अभी आपके यहाँ जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो क्या है, बिल्कुल पहले जैसा सेम है या कुछ एकदम सेम चेंज है, है? आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये लगते हैं, और आपको ऑनलाइन अकाउंट पेमेंट करके 500 रुपये दे के सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे पास लिमिट सीट है, 60 आदमी को बैठने की जगह है। अब पता चलता है 100 100 आदमी आ गए तो 40 आदमी को हाथ जोड़ करके बोलना पड़ता है भैया मेरे पास जगह नहीं जगह है। नहीं है। अब इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोई इच्छुक है, तो मेरे नंबर पे फ़ोन करे, व्हाट्सएप पे अपना नाम और एड्रेस दे, यहाँ से हम लोग अकाउंट देते हैं, उस अकाउंट में 500 रुपये डाल दें और अपना सीट कंफर्म कर लें।
अच्छा, पर मंथ में कितनी बार ट्रेनिंग होती है ये? अभी तो कोरोना को लेकर के 22 तारीख का ट्रेनिंग हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। एक 5 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच है, उसके बाद 12 अप्रैल को। अच्छा, तो ये आने वाले 2 अपकमिंग बैच हैं, उसके बाद फिर डिसाइड होगा। हम लोग के पास भी टाइम नहीं रहता है, अभी तो जिला प्रशासन के तरफ से, कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से फिर 450 लोग आने वाले थे, उसकी लेटर भी आई हुई है, लेकिन वो कोरोना के कारण कैंसिल हो गया। आने वाले नेक्स्ट हमको लगता है कि मंथ में वो 450 लोग को इंटरटेन करना है हमको। अच्छा, तो 2 ही बैच होंगे अप्रैल में। अब कोशिश किया जाएगा कि उसमें एक दिन और बैच निकाला जाए, तो देखते हैं उसमें एक और बैच निकाल करके ट्रेनिंग का। बेसिक हम बात करें तो एक दिन की ये ट्रेनिंग होती है? हाँ, वन डे का हमारे पास 1 डे का ट्रेनिंग है, और एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो बाहर से आते हैं। हाँ, जो बहुत इच्छुक है कि नहीं रह करके, अभी क्या है ना कि जो 3 दिन रहने वाले हैं उसके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टैंक प्रिपेयर हो रहे हैं, वाटर प्रिपरेशन करना है, सब में न्यू स्टॉकिंग हो रहे हैं। तो अभी जो 3 दिन के लिए ट्रेनिंग आएगा ना, वो हमारे फॉर्म पे रहे, सब कुछ वाटर प्रिपरेशन खुद से करे, देखे समझे और अच्छे से कल्चर करना समझ ले, और थ्योरी प्रैक्टिकल तो हम लोग कराएंगे ही, साथ साथ वो यहाँ रहेंगे तो खुद से समझेंगे कि हाँ वाटर प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपका ये है आपसे कि अगर कोई बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए लोन कहाँ अप्लाई करें, और उससे सब्सिडी जो मिलती है उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मुझे आप बताइए। अगर कोई बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए लोन कहाँ अप्लाई करें, और उससे सब्सिडी जो मिलती है उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मुझे आप बताइए। देखिए, बैंक आपको लोन 2 कैटेगरी पर देगा, या आप ITR फाइल करते हों। अगर आप ITR फाइल करते हो, गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड है, आप 3 साल ITR फाइल किए हुए हैं, तो बैंक आपको, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है बैंक में, जो सिविल बोलते हैं हम लोग, सिविल अच्छा है बैंक में, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। मैं PNB से हमारी लोन हुई है अप्रोक्स 20,52,000, जिसमें 12-32 का टर्म लोन है और 8-20 का CC है, कल ही जाके फाइनल हुए हैं। और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे पास DM साहब भी आए थे, उनका भी जोर है कि नहीं बैंक प्रमोट करे लोगों को। तो बैंक से लोन लेने का फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है कि आप पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ एक अच्छे CA से, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनसे एक अच्छा अपना रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट बनाने के बाद अपने जिला के अग्रिम प्रबंधक जो होते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट LDM जिसको बोलते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैनेजर, उनसे मिलिए कि सर हम बायोफ्लॉक पे बैंक से लोन चाहते हैं, और हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, हम इसको ऐसे करना चाहते हैं। देखिए, आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो LDM होते हैं वो सर्वे सर्वा होता है एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, वहाँ से रिकमेंड करेंगे तो आपका फील्ड अफसर आकर के आपका साइट विजिट करेगा। अब आपकी जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि LDM बात करे कि ठीक है फिश फार्मिंग आप करना चाहते हैं, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे जो आपको समझ में ना आए, तो इसलिए आपके अंदर गट्स हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, किसी चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद LDM से मिलिए, फील्ड अफसर आएंगे आपके साइट विजिट करेंगे, वो अपना सारा रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के बैंक को देंगे, बैंक आपको उस पर फंडिंग करेगी। क्या रिपोर्ट बनाने से पहले ये करना होगा कि पूरा सेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करना होगा, या फिर ऐसा प्लॉट ही हमारे पास? ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले भी रिपोर्ट बना करके बैंक को सबमिट कर सकते हैं, अवगत कर सकते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, हमको इतना लोन चाहिए। देखिए, उसमें 3 कैटेगरिया होती है, बैंक आपको 3 बेस पे लोन देता है कि कैपिटल्स आप कितना लगा रहे हैं, प्रोप्राइटर कैपिटल्स कितना है, उसके बाद टर्म लोन कितना है, और CC कितना है। CC इसलिए देता है क्योंकि आप उसको दाना दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, फिंगरलिन सीट को खरीद रहे हैं, इसलिए आपको CC चाहिए। टर्म लोन की आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सेट बनाना है, मटेरियल बनाना है उसके लिए। अब मान लीजिए आपने, हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था वो 75 लाख के आसपास था, उसमें हमने कैपिटल दिखाया कि नहीं प्रोप्राइटर कैपिटल 50 लाख मैं लगाऊंगा, मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपना सारा रिपोर्ट बैंक को सबमिट किया, तो जो रेस्ट अमाउंट बचे थे 25 लाख के आसपास, उसमें उनके फील्ड अफसर आए तो बोले नहीं इसका रेट थोड़ा कम होगा, इसका कम होगा, उन्होंने काट के 20,52,000 कर दिया।
तो ऐसा होगा, आप बना के प्रोजेक्ट 10 लाख का दे रहे हैं तो हो सके फील्ड अफसर आए तो उसको समझ में नहीं आए या उसको लगे कि नहीं ये 1 लाख का काम नहीं है, ये 80 हज़ार में ही हो जाएगा, तो आपको 80 हज़ार कर देगा। तो हो सकता है कि 10 लाख का प्रोजेक्ट आपको 8 लाख में फाइनल हो, लेकिन बैंक आपको सपोर्ट करेगी, खास करके PNB बैंक। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग से बात करें, हो सके कि हम लोग अपने LDM से बात करें कि वहाँ के LDM से बात कर लें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि किसी भी आदमी जागरूकता को फैलेगी जागरूकता बाकी। फैलेगी, प्लस में क्या होगा ना कि आदमी जागरूक होंगे कि नहीं ठीक है ये चीज़ यहाँ बात करने पे हम अपने LDM को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले LDM से बताइए कि हमने प्रोजेक्ट फाइनल किया है, या अगले को बताइए कि YN बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग पे लोन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आप उनसे बात कर लो, या हमसे कोई मांगता है तो हम अपना डिटेल उनको शेयर करने के लिए तैयार है कि हम लोन कैसे होना है, क्या होना है, या और फिर बात आपने लोन कैसे लिया उसके कैसे बारे लिया में। है वो सब मैं उनको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब रही सब्सिडी की बात, तो सब्सिडी कैसे मिलेगी इसके लिए बताइए मुझे। देखिए गवर्नमेंट ने तो पूरा जनजीवन हरियाली के टाइम में हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरे राज्य का भ्रमण किया, वो तारीफ योग्य है और हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि ये जो नया बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो न्यू टेक्नोलॉजी है, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने बहुत जल्दी समझा और इस पर बहुत जल्दी उन्होंने प्रयास किया कि नहीं मेरे तरफ से गवर्नमेंट के तरफ से इसमें लोगों को अनुदान दिया जाए, क्योंकि ये एक अच्छा जरिया है लोगों को इससे जोड़ने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग तो जॉब छोड़ के आए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ कर के आए हैं, अच्छे जॉब में थे, अच्छे पैकेज में थे, तो हम चाहते हैं कि कोई अगर करना चाहता है जिसके पास 1 लाख से 1 लाख रुपया भी कैपिटल है खुद का तो इस काम को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, रह गई सब्सिडी की बात, तो गवर्नमेंट ने एक पूरा खाका तैयार किया है, लोग अपने नज़दीकी मत्स्य पदाधिकारी से मिले और उनसे बात करें कि सर हमको 5 टैंक का भरना है, उन्होंने कैटेगरी वाइज बांटा है SC ST OBC वगैरह वगैरह करके, जो जनरल को है 50%, SC ST OBC है उनको 75%, 8,50,000 रुपये होल उन्होंने रखा है, 5 टैंक इक्वल टू 1 यूनिट और उसका लागत मतलब इंस्टॉलेशन टू हार्वेस्ट हार्वेस्ट में तक उन्होंने गवर्नमेंट ने के जो भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे DPR जो बनाए का। होंगे, ठीक है, उन्होंने लगाया कि नहीं 8,50,000 में ये स्टॉल भी कर लेगा और हार्वेस्ट भी हार्वेस्ट कर भी लेगा, कर उसमें दाना मेडिसिन सब कुछ इंक्लूड है। लेगा। मैं मानता हूँ ये ज़्यादा है, ठीक है, एक टैंक को बनाने में 48,000 रुपये और मैक्सिमम उसमें खर्च होंगे तो 55 से 60 हज़ार रुपये। 60 हज़ार रुपये। अब ये इन्होंने 8,50,000 डिवाइडेड बाई 5 कीजिए, 1,75,000 के आसपास आता है, इतना तो कॉस्ट नहीं आएगा। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मनी है ना काट करके जो 8,50,000 4,25,000 आप सब्सिडी दे रहे हो 5 टैंक पे जनरल को, वो काट करके कम से कम 2 लाख करो, क्योंकि 4 लाख बहुत होते हैं, आपको 52 लाख से ज़्यादा सब्सिडी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरा मानना है ये, अच्छा, ठीक ये है। अब गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी में किया तो क्या किया उन्होंने, ठीक है, कैसे किया वो समझें, लेकिन मैं मानता हूँ कि 2 लाख रुपया सब्सिडी होना चाहिए 5 टैंक पे और 10 टैंक पे ओवरऑल 4,25,000 रुपया सब्सिडी होना तो कहीं चाहिए, ना कहीं प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये सब्सिडी का जो अमाउंट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये ज्यादा है, बहुत ज़्यादा बहुत है, ज्यादा है, बहुत डबल से भी ज़्यादा ज्यादा है है। ये। अब तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ठीक है, हम तो सभी जगह बोले कि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब वो हो सके कि उनको ज़्यादा जानकारी ना हो या कुछ भी हो उसमें जैसे भी कभी सर्वे किए सर्वे हो। किए हों जो या जहाँ से रिपोर्ट उन्होंने लिया वो गलत रिपोर्ट दिया, कन्विंस गलत किया गवर्नमेंट को, तो मैं मानता हूँ कि 2 लाख से ज़्यादा 5 टैंक पे सब्सिडी नहीं होना चाहिए और 10 टैंक पे 4,25,000 से ज़्यादा सब्सिडी नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी को, या उसमें भी जो भी OBC है हाँ, जैसे 50% डिवाइड किया गया है डिवाइड उसको। किया गया है।